इनको इतना भर भर के गाली दीजिएगा, मेरे को क्यों देंगे? ये देखने के बाद महिला पत्रकार, महिला का अपमान, पत्रकार का अपमान, सबका अपमान नहीं है, बिल्कुल अपमान, आपने क्या भर भर कर गाली दी? नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। लगातार सीए लागू होने के बाद देश भर में मुसलमान नाराज हैं। क्या ये रमजान के पहले दिन मुसलमानों को तोहफा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? और लगातार अमित शाह भी ये बयान दे रहे हैं कि देश भर के मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुसलमान खुश हैं। सीए से बाहर रखा गया आप लोगों को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आएंगे वो हिंदू पारसी हो सकते हैं लेकिन मुसलमान नहीं होंगे, क्या कहेंगे करीम शेख जी? देखिए, मुसलमान तो गृह मंत्री के लिए पता नहीं क्यों नफरत का एक वजह बना हुआ है। गृह मंत्री जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है उसकी पुलिस नफरत करती है, ड्यूरिंग द नमाज लात मारती है। वो तो अमित शाह की पुलिस थी ना, तो अमित शाह पे कई कैसे भरोसा करेगा मुसलमान, जरा बताओ। एक्शन तो लिया गया। अरे एक्शन क्या होता है, उसी पर एक्शन होता अगर तो एक पिंकी शिंकी जो है वो बैठ करके ये डरा रहा है और पुलिस को वापस बोलता है उसको लाओ ड्यूटी पर। पिंकी शिंकी संविधान से बड़ा हो गया क्या, ये बताओ। तो खुश है कि नहीं है रमजान के पहले दिन का तोहफा, कैसा लगा कलीम शेख जी को? अरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, गृह मंत्री अपना सोचे कि सीए का स्वागत है कि नहीं। सीए का स्वागत बिल्कुल नहीं है, संविधान का वायलेशन है ये। बताइए, भारत का संविधान लिंग भेदभाव, अरे बाहर की कंट्रीज में सुनिए तो, बाहर की कंट्रीज में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, अगर वो वापस अपने देश लौटना चाहते हैं और मोदी जी उनको पना दे रहे हैं तो क्या तकलीफ है इससे? आप दलित हिंदू नहीं है? अरे प्रधानमंत्री को और मोटा भाई को बोलो अबे जाओ ना मणिपुर, क्या हिंदू नहीं है? जो मणिपुर में तुम जला रहे हो, उनको मार रहे हो, वो क्या हिंदू नहीं है? मणिपुर का माँ बोलने से फट जा रही है। अगर सीए में मुसलमानों का भी नाम होता तो कलीम शेख जी आज खुश होते? हाँ बिल्कुल खुश होते, क्योंकि संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है, वट प्रियम्बल क्या कहता है संविधान का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहाँ पर कहीं हिंदू जात धर्म किसी जात का धर्म का उल्लेख है क्या? तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं कई सारी, तो मुसलमान आप चली जाना वहाँ मुसलमान के यहाँ देश में। मैं कि मेरे को क्यों पूछ रही है, आप जाइए। हाँ मोटा भाई भी चले जाएं। अरे इन लोग को तो इतने बेशर्मों को इतना शर्म नहीं आती है, बाहर देशों में जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। खुद अनीता अम्बानी जाती हैं बाहर, आई केम हियर फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा ये कहती हैं, और यहाँ आके क्या करते हैं, वायलेशन फैलाते हैं धर्म जात के नाम पर, हैं? बांग्लादेश और भारत का मुसलमान इनको नफरत से देखते हैं, ड्यूरिंग द नमाज लात मारते हैं और विदेशी मेहमान पैसे वालों का जाके गले पड़ते हैं। हाँ गरीब मुसलमान को ये लोग सताते हैं, अमीर मुसलमान को दामाद बनाते हैं। ये भाजपाइयों को जाके समझाओ ना यार, ये मेंटल हो गए हैं ये लोग, जो सत्ता के नशे में है ना, ये पागल अंधे हो गए हैं। करीम शेख जी, 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव से पहले बांग्लादेश में लगभग 4 करोड़ वोट कह रहे हैं कि जो बंगाल के बाहर से लोग आए हैं, लगभग 4 करोड़ का वोट है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर से लोगों को बुलाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ही मत करो यार, इनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है। मेरे भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने मुझे वोट दे के जिताया था, डावोस में कौन बोला था? आपको पता है पत्रकार है तो इनकी बात, प्रधानमंत्री ने यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए आप, मेरे भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने हमें वोट दे के जिताया, कौन कहा था पूछिए जाके। 600 करोड़ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 750 करोड़ है और ये 600 करोड़ मतदाता कहाँ से लाए? आपको पता है भारत प्रॉम्प्टर में मिस्टेक हो गई होगी। ऐसी मिस्टेक बार बार होए, लौड़े ना भुजियम होए बार बार, अंडरे ना गात्रम, ये कौन कहा था? ऐसी संस्कृत पता है आपको, मेरी वर्ड नहीं है। हाँ। मेरे को गलत मत कहिएगा, तो टाइपिंग मिस्टेक थी वो, तो लौड़े ना भुजियम अंदरे ना ग्रात्यम। कॉमेडियन है, मजे ले रहे हैं क्या मोदी जी के? मोदी जी मजे दे रहे हैं तो हम मजे लेंगे। तो क्या कहेंगे जो 140 करोड़ की आबादी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार वोट करेगी? क्योंकि नहीं, चोट करेगी, चोट क्योंकि गठबंधन तो फेल है, मायावती आपकी जा चुकी है बाहर, टीएमसी अलग हो रही है। आप नहीं समझ रहे, आने दीजिए ना चुनाव, है ना, चुनाव तो आने दीजिए। अभी ये घबराए हुए हैं अंदर खाने, इनको पता चल गया है कि हमारी इस बार जो है सुताई हो गई है। बंगाल से आए कई बांग्लादेशियों ने ये दावा किया था कि उन्हें भारत में नागरिकता चाहिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दोनों सदनों में पास करने के बाद ये साफ कहा था कि जल्दी से लागू कर दिया जाएगा। ये भाजपा जो है पता नहीं कहाँ से ये लाते हैं दिमाग। बताओ अदनान सामी कौन है, हिंदू है?
अबे अंधभक्तों डूब के मर जाओ। सीमा हैदर को भी मिलेगी नागरिकता। सीमा हैदर भाभी, राष्ट्रीय भाभी बना दिया उसको। हाँ, और अंधभक्त मामा बन के नाच रहे हैं, बोले फिर प्रेग्नेंट हो गई बोल के। पूरा मैंने देखा था सोशल मीडिया में। तो ये अंधभक्तों का क्या, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते हैं ये अंधभक्त। केजरीवाल कह रहे हैं कि देश में पहले से गरीबी है, युवा बेरोजगार गलत है। नहीं कि एक पढ़ा लिखा प्रधान मुख्यमंत्री है वो, कहीं पर भी मोटा भाई और लोटा भाई को केजरीवाल के साथ डिबेट करा दो ना, पानी मांग लिए दोनों तो बताना आप। अभी तो आज तक दस सवा साल पूरा हो गया, एक प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? देश की समस्याओं पर एक भी किया है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? और दलाल मीडिया दलाल मीडिया पे भी मोदी जी के भाषण मन की बात नहीं सुनते क्या आप? हम ढंग की बात सुनते हैं, हम मन की बात नहीं सुनते हैं। और दलाल मीडिया की बात क्या करें बताइए, सबको पता है कि मीडिया बिक चुका है, हाँ फिर भी ये लोग आ रहे हैं मेकअप करके टीवी पे बैठ रहे हैं। सीए लागू होने के बाद शाहीन बाग में कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम है, क्या कोई बड़ी आशंका है सरकार को कि कुछ बड़ा होने वाला है क्या, इसलिए सरकार ही आशंका क्या करेगी? ये खुद उन्मादी लोग यही उन्माद फैला रहे हैं देश में। कभी किसी को धर्म से धर्म को लड़ा देते हैं, जात को जात से लड़ाते हैं, भाषा को भाषा से लड़ाते हैं, राज्य को राज्य से लड़ाते हैं। इन्हीं की सरकार में बताओ ना, प्रधानमंत्री अभी चार राज्यों में पांच राज्यों में चुना हुआ था, उसमें एक राज्य मिजोरम भी था। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई मिजोरम में जाके प्रचार की। जय बोलते हैं आप? हम बिल्कुल बोलते हैं, बोलिए जरा आप। आपके तो कहने पे नहीं बोल सकते, हमारे कहने पे नहीं बोलेंगे। देखिए हम स्कूल में हम भारत माता की जय, मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलते, जैसे आप भी कह रहे हैं कि आपके कहने पे नहीं बोलेंगे, कई मुसलमान नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं ये हमारा मादरे वतन है। आप समझते हैं मादरे वतन का मतलब? नहीं, आप बता दीजिए। तो जब नहीं बन जानती हैं तो मुझसे भारत माता का जय का नारा कैसे लगवा रही हैं आप? नारा नहीं लगाना है आपको, बस बोलना है। हम तो बोलते हैं भारत माता की जय, लेकिन मादरे वतन का मतलब समझती हैं आप? आप बताइए मादरे वतन का मतलब। मादरे वतन ही मेरी माँ है, मेरी माँ है, तो फिर उसमें जय बोलने में दिक्कत क्या है? तो जय नहीं बोलेंगे ना, बोलते हैं मेरी भी माता की, मैं भारत माता की भी जय, आपकी भी माता की जय, सबकी माता की जय, मादरे वतन है हमारा। बताइए देश में जितने भी मुस्लिम लोग हैं, अच्छा एक बात बताओ, भारत माता की जय, जब गाड़ी में 106 रुपया बॉम्बे में पेट्रोल है डालते हैं तो पीछे का साइलेंसर भारत माता की जय बोलता है क्या? धुआं निकल के बोलेगा, लोग बोलेंगे, लोग परेशान है महंगाई से। अब भारत माता की जय मतलब जैसे छिपकली खाकर, छिपकली कीड़े खा के माँ पुरुषों की तस्वीर के पीछे छुपती है, वैसे भाजपा ही छुपते हैं। क्या बात करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार का अब की बार नारा है और संविधान बदल देंगे सत्ता में आते। हमको हंसी इस बात की आ रही है कि ये पता नहीं देश की जनता कहाँ है, जो सब बोलते हैं इनको बोल दो तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, है ना? और जब संविधान पर चोट होता है लोग चुप बैठते हैं ये लोग। और जो जितने भी भीमराव अंबेडकर को मानने, मैं तो अंबेडकर जी का फॉलोअर हूँ, पर जितने मानने वाले उनको अगर दर्द नहीं है इस बात का कि संविधान का वायलेशन कर रहा है सरकार, और 131 सांसद दलित जीत के गए बाबा साहब के बदौलत, और इनको दर्द नहीं है तो इनको सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि आज भीमराव अंबेडकर जी होते तो इनको जूता निकाल के मारते कि मैं आरक्षण तुम लोग के लिए लाया, आज आरक्षण पर चोट, संविधान पर चोट, और तुम बोलते नहीं हो, जूते निकाल के मारते आज भीमराव अम्बेडकर जी जिंदा होते। बाबा साहब की बदौलत संविधान है, बाबा साहब की बदौलत आरक्षण था, उन्हीं के आरक्षण की बदौलत एससी सीट एसटी सीट आरक्षित होती है तो ये जीत के जाते हैं सदन में, और बोलते नहीं, मेज थपथपाते हैं। एक तरफ सीए लागू हो चुका है, दूसरी तरफ बीजेपी एमपी अनंत हेगड़े ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर अब की बात 400 पार का नारा जो है वो अगर सच साबित हो जाता है तो संविधान में बड़े बदलाव होंगे। आप मुसलमानों की बात करती हैं जी, मुसलमानों का खस्ता हाल है और भी खस्ता होना चाहिए, क्योंकि ये कौम इतनी बड़ी ये है कि ये 15-20 हज़ार का अपना स्टेटस बनाने के लिए मोबाइल ले लेगी, लेकिन 500 रुपया महीना डाल के अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती है और ना कोई नेता बनाती। आप भी मुसलमान ही? हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इतनी निकम्मी कौम है, मैं भी हूँ इंक्लूडिंग, कि अपना स्टेटस बनाने के लिए 15-20 हज़ार का मोबाइल ले लेंगे, लेकिन बच्चों का जो है 1,500 रुपया महीना फीस भर के पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, सुनोगे तो बात। और इनके बीच में से, इनके समाज में से कोई नेता निकल के आता है तो उसे बोलते हैं ये बीजेपी का बी टीम और आरएसएस का दलाल है। तो बताओ तो नेता कौन बनेगा तुम्हारी कौन से? हाँ, कभी तुम भागते हो मायावती के पीछे, कभी भागते हो अखिलेश यादव के पीछे, कभी भागते हो कांग्रेस के पीछे, बताओ ना ये लोग तुम्हारा भला क्यों करेंगे?
हाँ, अब मायावती आज चार बार की प्रधान सीएम बनी, क्या किया उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ? अगर मुसलमान अगर उसको सत्ता नहीं देते तो मायावती जी नहीं बनती मुख्यमंत्री, और ना अखिलेश यादव बनता ना मुलायम सिंह यादव बनते। तो ये बताओ कि क्या किया इन्होंने मुसलमानों को, हाशिए पे ढकेलते चले गए, फिर भी ताली बजा के मुसलमान जाता है, सिर्फ बीजेपी को हराना है, सिर्फ बीजेपी को। अबे क्यों हराना है? एक हम तो यही मानते हैं कि हम पैदा बीजेपी को हराने के लिए नहीं बने हैं, तुम अपनी एक कयादत खड़ा करो ना। अब अगर मैं भी आगे आकर के बोल रहा हूँ, मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्यों नहीं बनना चाहिए? सिख प्राइम मिनिस्टर बन जाता है 2% की आबादी वाला, और 15% की आबादी वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा? क्या बात करती हो, आज तक बना नहीं। ठीक है, एक तरफ आप बात कर रहे ये मुसलमान कौम को, ये मुसलमान कौम को सोचना चाहिए। और सच से बताऊं मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन अगर ये लोग शिक्षा पर और अपनी राजनीतिक इस पर नहीं सोचेंगे तो कोई आकर के अखिलेश यादव, कोई मायावती, मायावती का हाल देख लो, खुद इनकी ऐसी हालत खराब पड़ी है, डरी हुई है ये मायावती, इंडिया अलायंस में आने के लिए डर रही है कि मैं आऊंगी तो बीजेपी अंदर डाल देगी। ठीक है, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल ले लीजिए, आप बोले ही जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारत में अगर बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी आ रही है, पॉपुलेशन मुस्लिम कौम पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार आप लोगों पर आरोप लगाती है। इनको इतना भर भर के गाली दीजिएगा, मेरे को क्यों देंगे? ये देखने आप पहले महिला पत्रकार, महिला का अपमान, मैं पत्रकार का अपमान, सबका अपमान नहीं है, बिल्कुल अपमान, आपने का भर भर कर गाली दीजिएगा इनके चैनल को, क्यों चैनल को क्यों गाली देंगे? आपने क्या कहा? आप लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, बीजेपी कहती है, मैंने ये कहा, आप स्टेटमेंट मान लेती, इसलिए तो मान लेती, मेरा सवाल है कि महिला आप लोकतंत्र का फोर्थ पिलर हो, आप कैसे मान लेती हो? मैंने माना था, मैंने आपसे सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जो एक देश के संवैधानिक पद पर बैठा है वो खुद 5 बहन भाई बहन है, उसको जाके पूछो ना कि पॉपुलेशन किसने बनाया। आपने भी कहा कि आपके यहाँ एजुकेशन नहीं ना, प्रधानमंत्री से पूछिए आप जाके कि आप 5 भाई बहन क्यों हो, तो मोदी जी से पूछे ना आप, मुझे पॉपुलेशन किसने बढ़ाया? फिर आप मुसलमान पे आ रही है, पॉपुलेशन किसने बढ़ाया? सवाल आपसे मुसलमान से रिलेटेड है तो मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ तो मैं टारगेट हूँ क्या? मेरा मुसलमान पैदा होना गुनाह है? हाँ, प्रधानमंत्री को पूछो 5 भाई बहन क्यों हैं। ठीक है, तो ये कलीम शेख जी थे, इन्होंने तमाम सीए के मुद्दों पर अपनी राय रखी, तो कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा कि आप इनकी बातों से कितना इत्तफाक रखते हैं। नमस्कार।